मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम बंसागति के आणविक सिद्धांत वाले चैप्टर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। ये क्वेश्चन बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग हर साल पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम डीएनए अंगुली छाप या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक आपकी बोर्ड परीक्षा में कब कब पूछा गया है। तो बच्चों ये 14 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में। तो आप देख रहे हैं बच्चों लगभग ये क्वेश्चन हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो बच्चों जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है इसका सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था, वैज्ञानिक ने। तो सर्वप्रथम एलेक्स जेफरीज नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका विकास इंग्लैंड में किया था और इन्होंने यह बताया था कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की सहायता से विभिन्न व्यक्तियों के जो डीएनए होते हैं उसमें जो विभिन्नता होती है उसको देखा जा सकता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की सहायता से। तो इसका आविष्कार, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था, एलेक्स जेफरीज नामक साइंटिस्ट ने इंग्लैंड में किया था और इन्होंने बताया था विभिन्न, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई जीव हो, उनका जो मूल पदार्थ होता है डीएनए, ये अनुवांशिक पदार्थ इसको क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है, इसलिए इसे अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो इसकी सहायता से विभिन्न, कोई व्यक्ति हो या कोई जीव हो, इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है इसकी भिन्नताओं को हम देख सकते हैं और इन भिन्नताओं के कारण ही सभी सदस्य एक दूसरे से अलग होते हैं। तो कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए, एक ही प्रजाति के सभी जीव एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, क्योंकि उनके जो डीएनए प्रारूप होते हैं उसमें भिन्नता पाई जाती है। यही कारण है कि जो समरूपी जुड़वा बच्चे होते हैं इनको छोड़ के किसी भी व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट होता है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता है। मतलब हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से अलग होता है, भले ही प्रत्येक जीवधारियों की कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है, लेकिन ये डीएनए क्या होता है? ये डीएनए एक दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाता है। बच्चों जो डीएनए के अंदर बेस होता है वो 99.9% जो बेस सीक्वेंस होता है वो सब में सेम होता है। तो भिन्नता कैसे आती है, 0.1% जो बेस होते हैं ये एक दूसरे में भिन्न होते हैं। ये जो भिन्नता होती है बेसों की, यही एक दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, क्योंकि इनके जो डीएनए होते हैं इसमें भिन्नता पाई जाती है। तो अब डीएनए में किस क्षेत्र में भिन्नता है उनकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो बच्चों डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा डीएनए में उपस्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। तो बच्चों डीएनए के जिन क्षेत्रों में भिन्नता होती है उसके कारण उनके शरीर में भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो डीएनए के जिन क्षेत्रों में भिन्नता होती है इन भिन्नता दर्शाने वाले क्षेत्रों को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ये प्रोब की भांति हम इसका प्रयोग करते हैं, इसमें काफी बहुरूपता होती है। बहुरूपता का मतलब बच्चों इसमें डीएनए में एक से अधिक जगह पे वेरिएशन होता है, इसलिए ये बहुरूपता दर्शाता है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा हम क्या करते हैं कि डीएनए के जो नाइट्रोजिनस बेस जहां पर भिन्न होते हैं, जो एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को अलग करते हैं,
भिन्न क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता दर्शाते हैं। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं जिनके कारण लोगों में भिन्नताएं आती हैं? इन क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए, या इसको हम प्रोब की भांति प्रयोग करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा बहुरूपता होती है, मतलब जो ये सैटेलाइट डीएनए होता है इसमें एक से अधिक जगह पर डीएनए में वेरिएशन होता है। ये क्या होते हैं? ये एक्सरे फिल्म पर एक पट्टिकाओं के रूप में इन्हें प्राप्त कर हम इनकी विशिष्टता और पहचान कर सकते हैं। तो जो एक व्यक्ति का डीएनए होता है उसका क्रम पट्टियों के रूप में अनिवार्य रूप से विशिष्ट होते हैं। जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो इन पट्टियों का जो परिचित्र होता है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस या रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें विभिन्न ऊतक जैसे हमें बाल चाहिए, खून चाहिए, त्वचा, लार आदि से टिश्यू लेकर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम क्यों करते हैं? इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई अपराध का मामला हो या पितृत्व के झगड़े हो, पारिवारिक संबंध आदि ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का डीएनए उस व्यक्ति के डीएनए से कितना मैच कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेंट्रल डोगमा। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल डोगमा को किस साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया था? क्रिक ने प्रस्तुत किया और इन्होंने ये बताया कि जो सूचना का प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशात्मक होता है। एक दिशात्मक का मतलब डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो मतलब इन्होंने ये बताया कि सूचना का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब डीएनए से एमआरएनए या एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। इसे ही आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा कहते हैं। तो जो डीएनए है उससे एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। तो जो डीएनए से एमआरएनए बनता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन जो बनती है इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो जो यूनिडायरेक्शनल ये फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा। लेकिन बच्चों, एक साइंटिस्ट थे एच टेमिन व डी बॉल्टीमोर। इन्होंने बताया कि कुछ वायरस होते हैं जैसे रेट्रो वायरस, इसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाता है? आरएनए। जनरली हम जानते हैं कि सभी में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ वायरस हैं जैसे रेट्रो वायरस, इसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है बच्चों? आरएनए होता है। तो इन विषाणुओं में हम पहले क्या करेंगे? आरएनए से डीएनए का संश्लेषण करेंगे। तो आरएनए से डीएनए का संश्लेषण रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो जो वायरस है रिट्रो वायरस, इसमें क्या होगा? इसमें पहले आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए। किसकी प्रेजेंस में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में आरएनए से डीएनए बनेगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से पहले क्या बनेगा? इसमें डीएनए बनेगा। इन वायरसों में फिर क्या होगा? अब फिर दोबारा
डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से दोबारा प्रोटीन बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा इसके बाद, फिर ट्रांसलेशन होगा। तो इन वायरसों में पहले आरएनए से डीएनए बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब जब हमको डीएनए मिल जाएगा तो हम डीएनए से क्या बनाएंगे? एमआरएनए। एमआरएनए से हम क्या करेंगे? प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। तो इस तरीके से इसमें भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। बस इसमें क्या होता है कि जो सूचना का प्रवाह होता है वो बच्चों विपरीत दिशा, अर्थात आरएनए से डीएनए, फिर डीएनए से एमआरएनए और प्रोटीन होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे कहते हैं रिवर्स डोगमा या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म कहते हैं। तो बच्चों यदि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।